कोरोना काल में यात्रियों की कमी से जूझने वाला एविएशन सेक्टर अब यात्रियों की संख्या में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को झेल रहा है। कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां खत्म होने के बाद हवाई यात्रा करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें दिख रही हैं और यात्रियों को भी पहले के मुकाबले ज्यादा किराया भरने के साथ हवाई अड्डों पर बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। इसके अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक डिपार्चर के छोटे सिक्योरिटी चेक के कारण दिक्कतें हो रही हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का माहौल सुर्खियों में था। कोलकाता एयरपोर्ट पर व्यस्त दिनों में यात्रियों की संख्या बमुश्किल 40,000 तक पहुंचती थी, लेकिन इस साल पूजा के दौरान आंकड़ा 50,000 के भी पार निकला। कोविड महामारी से पहले एक दिन में अधिकतम घरेलू हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड 4.07 लाख हुआ करता था, लेकिन कोरोना खत्म होने के साथ यह रिकॉर्ड टूट गया है। बीते सोमवार यानी 5 दिसंबर को यह आंकड़ा 4.13 लाख के पार निकल गया। इससे पहले 26 नवंबर को 4.06 लाख और 27 नवंबर को 4.10 लाख लोगों ने घरेलू उड़ानों से यात्रा की थी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की भीड़ में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में लगभग 22 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने हवाई उड़ान भरी थी और इस साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच चुका है। अप्रैल से अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों का आंकड़ा देखें तो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3 करोड़ के पार हो गया है। पिछले साल संख्या 84 लाख थी। हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने से बने अव्यवस्था के माहौल ने अब जाकर सरकार की नींद खोली है। हाल ही में एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। सरकार की तरफ से एयरपोर्ट की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। व्यस्त घंटों में उड़ानों के अराइवल और डिपार्चर की व्यवस्था को अच्छे से प्लान करने के लिए कहा गया है। साथ में सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन से जुड़ी व्यवस्था को सरल करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक ज्यादा किराया देने के बावजूद यात्रियों को हवाई अड्डों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट।